झारखंड पशुपालन विभाग एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक मंगलवार को कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल प्रांगण में की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव राजेश कुमार महतो ने की। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक के बाद संघ के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त और जिला पशुपालन पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के नियमानुसार एआई कर्मचारी का भुगतान वर्षों से लंबित है। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि 18 दिसंबर से 10 फरवरी तक मानदेय समेत अन्य मुद्दों को लेकर हड़ताल भी किया जा चुका है। उस दौरान लिखित समझौते के बाद हड़ताल की समाप्ति हुई थी, लेकिन कर्मचारियों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। सौंपे गए आवेदन में राज्य सरकार एवं विभाग के स्पष्ट आदेश के बावजूद मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने की जांच समेत कई मांगे शामिल है। इस दौरान 11 अप्रैल को जिला पशुपालन पदाधिकारी के समक्ष सामूहिक धारणा कार्यक्रम करने की बात तय की गई है। वहीं 25 अप्रैल को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना का निर्णय लिया गया है। इस बाबत मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पशुपालन कर्मचारियों की मांगों को लेकर 25 मार्च को दूरभाष पर विभाग के निर्देशक से वार्ता हुई थी और उन्हें इन सभी मुद्दों से अवगत भी कराया गया था। दूरभाष पर पूर्ति को लेकर आश्वासन दिया गया था, इसके बावजूद अभी तक एक भी फेज का राशि भुगतान नहीं किया गया है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि एआई कर्मचारी अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, इसके बावजूद उनके बकाए राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार का आदेश है कि 1500 रुपये मासिक मानदेय देना है, लेकिन 4 वर्षों में एक बार भी राशि का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मांग की पूर्ति नहीं होती है तो तय कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन भी किया जाएगा। मौके पर मेघलाल मंडल, अमित कुमार यादव, अमित कुमार वर्मा, योगेंद्र मेहता, मनोज वर्मा, विमल कांत मौर्य, कमलेश कुमार राणा समेत 75 सदस्यों ने भाग लिया। झारखंड पशुपालन विभाग एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक चल रही है। ये तमाम लोग पशु सेवा में लगे हैं और मुट्ठी भर लोग जिला पशुपालन में लूटने में लगे हैं। सरकार का आदेश है कि 1500 रुपया मासिक मानदेय देना है, लेकिन 4 वर्षों में एक राशि भी भुगतान नहीं हुआ। सरकार का आदेश है कि सही समय पर L&2 सीमेंट उसको देना है, वो नहीं दिया जा रहा है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 का राशि आया, लेकिन आज तक भुगतान नहीं किया। सबसे दुखद स्थिति तब हो गई जब इस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर श्री सिद्धार्थ का नाम आया कि वो क्या करते हैं कि वो इसका प्रतिवेदन दूसरे में डाल के तीसरे में डाल करके मोटा रकम बना लेता है। और जब विरोध करता है कर्मचारी कि मेरा इतना पैसा क्यों, तो कहता शांत रहिए भेज देंगे। वो निजी मोबाइल से फोन पे पैसा उसको देता है कि लो भैया तुम शांत हो जाओ। 1-2 केस में नहीं है, दर्जनों केस में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। स्पष्ट है, यह जांच का विषय है कि किस तरह से दूसरे का पैसा तीसरे में देकर फेक नाम पर पैसा चढ़ाकर सब निकाल रहा है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ और आपस में बंटवारा कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि ऐसे ऑपरेटर का जांच कराइए जिसकी मिलीभगत जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ है, और जिला पशुपालन पदाधिकारी चुपचाप बैठा रहता और सारा पैसा हजम कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है साफ सुथरी मांग को लेकर के कि अगर हमको डिमांड नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय हुआ, तो हम 11 तारीख को जिला पशुपालन पदाधिकारी के समक्ष तमाम एआई वर्कर जिसकी संख्या इस जिले में 150 की संख्या है, 150 जो पशुधन सेवा में लगा हुआ है, वो आकर धरना देंगे। उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो 25 अप्रैल को डीसी साहब के सामने सारे लोग धरना देंगे। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीओडी गिरिडीह।